गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद अनीशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हमारे घर पे आ गए हैं कुछ कुछ मेहमान। शिकल दिखाओ भाई अपनी। अरे यार रात को ऐसे एक्सपोज नहीं करते। कोई बात नहीं ब्रो, जल्दी दिखाओ। देखो गाइस मीट। हाय हाय। तो गाइस आ जाइए बुआ घर पे। टाइम ओ एक बजने वाला है गाइस। और हमारी चल गई है कढ़ाई। मम्मी को नहीं बताना, तो चुप चुप रहना। एक बजे ड्रामे हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। बताती हूँ क्यों। वेट। तो गाइस इस काम के लिए चलाई थी मैंने रात को एक बजे कढ़ाई। एंड लकीली किसी को पता नहीं चला। और देखो एक बजे ही होती है हमारी रात के सीन जब जब मैं और ये मिल जाते हैं एक साथ। तो ऐसी होती है हमारी नाइट वाइब्स। कुछ गाइस होली का माल पानी बचा था जो अब हम यूज कर रहे हैं। इस तो अब हमने खा पी लिया है और आप देखोगे नहीं हमने कितना तेल खाया है भाई साहब। और इस लड़की को देख लो। और अब टाइम हो रहा है शायद 1:30। 1:80 उप्स सो जाना चाहिए अब। इट्स हाई टाइम। नहीं अभी तो जगराता करना है यार। देखो गाइस इस लड़की को देखो, ध्यान से देखो इस लड़की को। चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को रात बता दिया था कि कॉलेज तो मेरी डल डल है तो मैं नहीं गई। एंड अभी बज रहा है 12:30। मैं उठी हूँ 12:30 बजे और वो तो अभी भी सो ही रही है। और ये मेरी मम्मी, हम दोनों बैठ के चुगली कर रहे थे। ऐसी किसी की मेरे को मम्मी को पता चली होगी तो वो मुझे बता देती हैं। मुझे पता चलते तो मम्मी को बता देते हो। और ये तो अभी तक उठ ही नहीं है। हमारे यहाँ पे ना गाइस एक अच्छी बात है, मैं हूँ, मैं सो रही हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई और सो रहा है तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसको जब उठना है ना वो तब उठो। क्लियर है? देखो बहुतों के घर पे होता है ना, उनके पापा बोलते हैं उठो उठो उठो, उनकी मम्मी बोलती है उठो उठो उठो। हमारे घर पे नहीं है। हमारे मम्मी पापा को पता है ये रात भर जगराता करते हैं तो ये हमें उठाते ही नहीं है। तो ये हमारे अच्छे पेरेंट्स हैं। चलो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गाइस ये रही बुआ, वो रही आन्या, ये चोचू। हमारा नाश्ता और सुबह सुबह उठ के देखो अभी हम नहाए भी नहीं है। मैं नहा ली। ये लड़की मुझसे इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकली कि ये नहा भी ली और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ना अपनी बुक शेल्फ वगैरह साफ की थी। चोचू का रिजल्ट आ गया है, वो पास हो गया है गाइज अच्छे मार्क्स से। तो अब मतलब हाँ एटलीस्ट पास हो गया। और अब मेरे को लगाना है अपने मुंह पे बेसन, क्योंकि 3 दिन से मैं कॉलेज जा रही हूँ और मेरे इतनी ज़्यादा धूप होती है ना आपकी, मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैं अपने मुँह पर लगाऊंगी कच्चा दूध, बेसन और उसमें थोड़ी सी हल्दी, तो उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ये गाइस मैंने रेडी कर लिया है। अरे क्या हो गया इसमें, फ्लैश ऑन है क्या? अच्छा हाँ, ये मैंने रेडी कर लिया और इतना ये मेरा इनफ रहेगा मेरी स्किन के लिए। स्किन के लिए कह रही हूँ, सॉरी मेरे फेस के लिए। देखो कितना काला हो गया। ओके गाइस सो मैं नहा ली हूँ, लग रहा है थोड़ा सा फर्क आने के लिए। एक ही दिन में लग जाएगा, मैं कहीं और लगना तो चाहिए ना। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ गाइस कि मेरा सन टैन ना बस हट जाए। और अब मैं जा रही हूँ अपना टॉवल को बाहर सुखाने। उसके बाद मैं पीऊँगी कॉफ़ी। मेरे को कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी गाइस, तो ना बुआ गई हुई हैं, परिवार में ही हैं एक उनके यहाँ पे। ऐसी मतलब उनको न्यू बॉर्न बेबी हुई थी तो उनकी बेबी देखने गई हुई हैं। एंड अभी वो आ जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। तो उसके बाद हम शाम को देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। हो सकता है कि हम आइसक्रीम खाने सब लोग जाए, पता नहीं। अभी देखो आप लोग भी आगे आगे कि क्या होता है, अभी कुछ भी प्लान्ड नहीं है। सो लेट्स सी। अभी मैं जस्ट अपनी कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद मिलती हूँ। गाइस मेरा प्लान हो गया था चेंज कॉफ़ी बनाने का, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना ली है चाय। आप लोग भी पी लो विद मठरी, मुझे बहुत पसंद है मठरी, नमक फारे, आई लव इट। और ये यहाँ पे ला रही है फ़ोन, इसने चाय के लिए मना कर दिया था, मैंने इससे पूछा था। हेलो गाइस, तो थोड़ी थोड़ी देर ना हम लोग सो गए थे
और अब शाम हो गई है तो अब हम उठ गए हैं एंड बुआ कर रही है यहाँ पे बात। केशव हाय बोल दे। केशव हाय। और मैं और ये अब पता नहीं, हम पहले मम्मी के साथ स्टेडियम जा रहे थे पर अब हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे थे हम? क्योंकि तुमने मना कर दिया। यस क्योंकि मुझे स्टेडियम नहीं जाना। मैंने मम्मी को कहा ऐसे ही घूम के गोलगप्पे खा के आ जाएंगे, मम्मी ने कहा नहीं। और अब हम गाइस कंफ्यूज हो रहे हैं कि रात को हम पहाड़ों वाली मैगी खाएं, मतलब जैसे पहाड़ों में मिलती है ऐसे उबल के और कच्चे टमाटर वैसे डाल के, या फिर पाव भाजी खाएं। तो देखते हैं, जो भी डिसाइड होता है आप लोग तो देखोगे ही, सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो देखो मेरे बाल, मैं तैयार हो गई और मेरे हाथ में चौक है और ये है मेरा बैग और हम दोनों हैं आज के लिए टीचर और ये है हमारा स्टूडेंट और हम खेल रहे हैं गाइस टीचर टीचर। आप लोग भी खेलते होगे ना, जब पता ही हम दोनों छोटे थे ना तो हम दोनों मेकअप वेकअप करके साड़ी वाड़ी पहन के खेलते थे। तो आज बहुत दिनों बाद हमारा मन हुआ असली साड़ी नहीं, हाँ चुन्नी की साड़ी और मेकअप ना, तब चाची की ना नई नई शादी हुई थी तो हमने चाची की पूरी जो मेकअप वाली बोलती है ना क्या थी वो किट हाँ, वो हमने सारा मतलब यू नो ऐसे आई शेडो लगा के ना हमने वो पूरी बेकार कर दी थी एंड लिटरली हमें बहुत मजा आता था। तो आज बस हम दोनों बोर हो रहे थे, हमने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, तो फिर अब हम खेल रहे हैं टीचर टीचर। तू भी अपना बैग दिखाना गाइस को लाके, और हम दोनों के सेम सेम बैग है और गाइस इनका बैग फटा हुआ है। हाँ इसका थोड़ा सा ये फट के, इस पुराने बैग है ना तो ये फट गया है और ये इनका बैग खाली है, कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ और सब अब अपने अपने फोन दिखा दो। मेरा फोन ये रहेगा गाइज आज के लिए, इसका ये और इसका ये। तो गाइज कुछ ऐसा है हमारा आज का सेटअप। देखो हमने हमारे आई कार्ड भी हैं, आई कार्ड दिखा दे ब्रो ये, क्योंकि ना टीचर्स के पास भी तो आई कार्ड होते हैं। और ये है हमारा आज का सेटअप, ये बन गया हमारा ब्लैक बोर्ड। चौक का है, चौक का रख दी भाई। ये रही गाइज चौक। और आप लोग देखोगे हमारे बैग में हमारी बुक्स भी रख गई हैं। ये हमारा स्टूडेंट, सो लेट्स प्ले। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन टू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ओके क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं आया ना तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दूंगी और गाइस आजकल की टीचर और आजकल के बच्चे। और गाइस देखो हॉट टीचर शॉर्ट्स में आ रही है टीचर स्कूल में पढ़ाने। देखो ये होते हैं आजकल के बच्चे। डाउट तुम्हें आता है? आज तक तुमने कभी डाउट पूछा है? आजकल की गाइस ऐसा होता है आजकल के बच्चे और टीचर, माय गॉड। तो गाइस तो अब हम पढ़ा के बोर हो गए और ये बेचारा पढ़ के बोर हो गया है लिटरली। अभी व्लॉग एंड होगा नहीं क्योंकि तुमने उन्हें मैगी और पाव भाजी वाली सीन बताई थी। ओ अच्छा ऐसा कुछ है गाइस, तो ओके ओके हम लोग अभी व्लॉग एंड नहीं करेंगे, हम बताएंगे आपको कि हम पाव भाजी खाएंगे या मैगी खाएंगे। आज ना मेरे गाइस ये सोच रहे होंगे कितनी पागल लड़की है ये, हम तो इसे ऐसे ही सोचते थे। ऐसा सोच रहे हो गाइस? ऐसा मत सोचना। अभी ना कभी कभी मेरा ना अंदर का बचपना जग जाता है बहुत ज्यादा ही लेवल पे, स्पेशली जब ये लड़की आती है तो फिर मैं पूरी ऐसी हो जाती हूँ कि ये वाह। देख लो गाइस ऐसा है ये, ऐसा डीट तो कैसा लग रहा होगा कि मैं कितनी पागल थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छी हूँ। चलो गाइस तो अभी मैं, ये लड़की और मेरा भाई यानी कि ये चूचू, हम तीनों हैं घर पे अकेले क्योंकि सब लोग गए हैं स्टेडियम घूमने। तो अब मैंने फाइनली वहां पे, आपको अगर गैस चलती हुई दिख रही है तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। अब आलू उबल रहे हैं तो ऑफकोर्स मैगी तो नहीं बनेगी, हम बनाएंगे पाव भाजी एंड सबका रिएक्शन करेंगे नोट। तो आप लोग ट्यून रहना, सबसे पूछेंगे हम कि उनको पाव भाजी कैसी लगी। वी आर बैक, कपड़े चेंज करके मतलब मैंने, और देखो मम्मा हमने किया है ट्विनिंग सेम टी शर्ट क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने। यस सब्जी वाइब्स गाइस, अभी मैं थूक जाती स्कूटी गाइस। तो हम आ गए सब्जी लेके, आपने हमारे हाथ में सब्जी देख ली होगी। मैं भी लाई हूं फिन्नी।
और अब हम बनाएंगे सब्जी। तो मेकिंग तो आपने मेरे बहुत पुराने वाले ब्लॉग में मैंने आपको अपनी पाव भाजी की मेकिंग दिखाई है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। और अभी मैं आपको मेकिंग तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, मैं आपको सबके रिव्यूज दिखाऊंगी। यहाँ पे मम्मी लगा रही है आटा क्योंकि वो दाल भी बना रही है, क्योंकि बड़े पापा अरे हाँ हाँ क्योंकि बड़े पापा नहीं खाएंगे पाव भाजी और मेरी मम्मी नहीं खाएंगी, उन्हें पसंद नहीं है। ये गवार यहाँ पे बैठा है। सो यस मैं थक गई गाइस, हम ज्ञान मार्केट से आ गए हैं इतना सारा सामान लेके। बड़े पापा खा रहे हैं खाना, दाल दाल अच्छी है, और सब्जियां मैंने कर दी हैं सारी चॉप और आलू भी, अब हमने वो भी नहीं खा के उनके वो पील्स। देखो ये कह रही थी लाल लाल खाना है, फूड कलर खत्म हो गया था तो फूड कलर भी ले आए, 5 रुपए से चिप्स भी लिया। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये सारे यहाँ पे बैठे हैं और ये लोग बात कर रहे थे पता नहीं किस किस की, तो अभी यहाँ पे सब बैठे हैं। गाइस वो पाव भाजी पहले आप जल्दी बताओ केशव कैसी बन रही है, देव पापा कह रहे हैं अच्छी बताइयो, हाँ कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है। इन सब ने गाइस दाल खाई है, ये दाल वाले पीपल हैं गाइस खाने के लिए क्योंकि वो पिज्जा खा के आ गया था, और अब बस मैं अपने लिए डाल रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कैसी बन रही है। और सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वेट। ओके गाइस तो फाइनली सबको खिला के खिलाने के बाद मतलब मैं बैठ गई हूँ खाने, देखो एंड भाजी की रेसिपी वाला व्लॉग मैं डाल दूंगी। उस टाइम पे तो पता नहीं नमक थोड़ा कम हो गया था, मैं नानी के घर थी, बट अब बिल्कुल परफेक्ट बनी है, अच्छी है, मैंने टेस्ट कर लिया है और मैं आप लोगों के सामने भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये लोग पता नहीं किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं पूरी बात सुन नहीं पाई ना, इसलिए। हेलो गाइस अमेजिंग, अच्छी है सच्ची में, अच्छी है, मजाक नहीं कर रही, अच्छी है, चटपटी मस्त। तो मैं खा लेती हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो एंड गिव मी बहुत सारा वाला लव, सपोर्ट मी। इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो, फेसबुक अकाउंट दिया हुआ है फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।